सुबह से समय पर गोकुलधाम सोसाइटी के महिला मंडल ने पोपटलाल से बोल दिया है कि वो एक लिस्ट बना ले कि जो भी इससे पहले पोपटलाल की शादियां टूटी हैं वो किन वजह से टूटी हैं, और इन्हीं बातों को सबसे पहले जाकर पोपटलाल मधुबाला के साथ क्लेरिफाई करे। जगह इस तारक मेहता शो की आने वाली स्टोरी में हम देखने वाले हैं कि मधुबाला और पोपटलाल अकेले में मिलने वाले हैं, और मधुबाला के मन में जो भी डाउट हैं पोपटलाल के लिए वो सभी डाउट क्लियर करेगी, और साथ ही पोपटलाल के मन में जो डाउट है मधुबाला के लिए वो भी डाउट क्लियर करेगा। और पोपटलाल ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहता जो कि वो पास्ट में कर चुका है, यानी कि इससे पहले कई बार पोपटलाल की शादी टूट चुकी है, और हर एक शादी टूटने के पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा है, और पोपटलाल उन्हीं रीजन्स को दोबारा दोहराना नहीं चाहता है, और इसीलिए पोपटलाल ने महिला मंडल के कहने पर एक लिस्ट बनाई है कि जो जो बातें इससे पहले उसके साथ हो चुकी हैं, यानी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लड़की किसी से प्यार तो नहीं करती है, लड़की जोर से शादी तो नहीं कर रही है, या फिर और भी कई सारे रीजंस, और इन सभी रीजन को पहले पोपटलाल क्लेरिफाई करेगा एंड उसके बाद ही वो आगे शादी की बात करेगा। गाइस इस बार लगता है कि पोपटलाल की शादी होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। वेल दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर दें।